तो ये आ गए हम चौक पर, जहाँ पे सुबह आए थे वही वाले चौक पर। ये रोड जा रही है कलांगूटे बीच और बागा बीच की तरफ, तो वहीं चलते हैं। तो ये है पहली नाइट हमारी गोवा में। बार एंड रेस्टोरेंट छोटे छोटे जगह पे आपको ये मिलेंगे, बार एंड रेस्टोरेंट। चौक पर वापस से आ गए हैं और पेस्ट्री खाएंगे। ये भी भैया पेस्ट्री भैया की शॉप से, ये एक शॉप। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे टू। अभी टाइम हो रहा है 8:33 और जा रहे हैं बीच की तरफ, जो कि पड़ता है हमारे नियर बाय में बागा बीच और कलांगूटे बीच, दोनों साथ साथ है। और हमारा बागा बीच यहाँ से होगा 1.5 किलोमीटर, वॉक भी कर सकते हैं, 22 मिनट में पहुँच जाओगे, बट हम स्कूटी लेके जाएंगे। तो फटाफट से आपको वही मिलते हैं बागा बीच पे, और जाके यहाँ से बहुत सारी बातें। अभी पहुंच चुके हैं बागा बीच के पार्किंग में। ये आप ये देखिए गाड़ी की पार्किंग है, स्कूटी हमने लगा दी। दूर दूर तक जहाँ देखोगे वहां तक आप ऊंची ऊंची लहरें देखोगे। और अभी सामने पत्थर देख रहे हो ना, ये वाला पत्थर, इसके ऊपर से पानी जाता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं छोटा सा लग रहा है छोटा भाई, लेकिन ये देखो अभी देखना, ये देखो, ये देखो, जब लहरें आती है यहाँ उसके ऊपर, वो देखो ये। अबे 20 रुपये आपको चार्ज मिला है पार्किंग का। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, शराब पीकर ऐसे गद्दी ना करें। तो ये लोग तो साफ कर रहे हैं, तो पागल तो नहीं है ना, तो उसको थोड़ा साफ रखें। आपको पास में बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे बैठने के लिए, थोड़ा शाम के वक्त यहाँ पे बनता है माहौल। ये जो बियर पी के यहीं पे, जब पियो तुम आ रहे हो तुम पियो के बाद नहीं, बट थोड़ा साफ सफाई भी रखो। तो ये है कलांगूटे बीच का जो एंट्री साइड है वो, और एंट्री साइड थोड़ी यहाँ खास नहीं है, बागा बीच में थोड़ा लिखा हुआ भी है, वहाँ भी लिखा हुआ है थोड़ा आगे, जो फ्लैग देख रहे हैं थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे है थोड़ी। और लेकिन हम पे जो है वो आगे जाने का प्लान जो है वो फिर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कलांगूटे को वापसी थोड़ा कवर कर लेंगे। यहाँ स्टार्टिंग यहीं से कलांगूटे, बागा बीच तो वो उधर आगे निकल गया। यहाँ पे आए हैं नवरत्न उडुपी फैमिली प्योर वेज रेस्टोरेंट में, देखते हैं कुछ खाएंगे। और अभी हम साउथ गोवा की तरफ जा रहे हैं, तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी ऑर्डर किया था भेल पूरी, तो उसको खाते हैं और इसका टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम फूड टाइप लग रहा है, और अभी मैंने खाया भी नहीं ऐसे भेल पूरी। बढ़िया, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, अच्छा है। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट पंजिम की तरफ साउथ गोवा, क्योंकि सीधा जो है वह फोर्ट अगुआड़ा, जो कि हमने कल डे वन में कवर कर लिया था। जिसमें हमने नहीं देखा वो कल वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही शानदार था फोर्ट। लेकिन अब यहाँ से जाएंगे हम साउथ गोवा। ओ डॉगी, करीबन यहाँ से पड़ेगा आपको साउथ गोवा 10 किलोमीटर, और अगर और उससे आगे कहीं जाना है घूमने तो वो आपको गूगल मैप अहमदाबाद। पहले पेट्रोल पंप यहाँ है ही नहीं भाई, बहुत दूर दूर पेट्रोल पंप, यहाँ पे भी पेट्रोल पंप 7 किलोमीटर दिखा रहे हैं। हमारे होटल से था 18 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप, तभी तो बॉटल में लोग यहाँ घूमते लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है पंजिम कलांगूटे कंडोलिम, बड़ी भी है भाई। बस फाइनली आया पेट्रोल पंप, बट भीड़ आप देख सकते कितनी भयंकर है।
97 यहाँ रेट चल रहा है, 200 का तेल बहुत है। तो ये है अतुल सेतु जो भी हम पार करने वाले हैं, और ऊपर वाली रोड जो है उसका कुछ मेरे को कनेक्शन समझ नहीं आया, वो कहाँ से ज्वाइंट होगी, लेकिन मैं सोचा था वो वाले ब्रिज से जाएंगे हम, और कोई बात नहीं। तो 15-20 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम पहुंच गए हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये स्कूटी लगा दी पार्किंग में, कोई उन्होंने यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है, नहीं तो पार्किंग में लगाएंगे तो चार्ज पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये सीख चाहिए रिंग्स वगैरह ये सब, सो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट है, उधर भी थोड़ी बहुत मार्केट है, बैग वगैरह रखी हुई हैं और कुछ खाना हो तो। और वो सामने आर्कियोलॉजिकल कुछ जगह है, वहाँ देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, पर इधर है, बहुत बढ़िया है वैसे ये जगह। एंट्रेंस इधर से है, रात को आई थिंक यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी होती हैं, देखो ना, सो रात को भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि 8:30-9 बजे बंद होता है, और फोटोशूट्स वगैरह अच्छा होगा, वो भी अभी करेंगे। ये टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन। इधर की तरफ है साउंड एंड लाइट शो, पता नहीं खुला है बंद है, अंडरग्राउंड है, इसके नीचे है, और मास्क पहन नहीं तो कैसे जाएंगे, तो भी तो ये कैंसिल है। अब यहाँ से स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और जो कि आई थिंक एक और चर्च होने वाला है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो मैच कर रही है। आई थिंक पहुँच जाएंगे वहाँ तक और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। और उसके अलावा कुछ और साउथ गोवा में घूमने के लिए हुआ तो और घूमेंगे।